एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। आज मुझे एक स्टूडेंट निशित, आई थिंक निशित नाम था उनका, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है कि रिमाइंडर थ्योरम का शेषफल निकालें। इसका ये देखिए, 3 की पावर 1000 डिवाइडेड बाय 73। अभी तक जो मैंने पिछले दो लेक्चर्स में क्वेश्चन करवाए थे उसमें जो डिवीज़र होता था जिससे हम डिवाइड करते थे वो छोटे छोटे नंबर होते थे, 3 होता था 5 होता था, मैक्सिमम 11 तक जाते थे। तो ये 73 तक तो हम आज तक गए नहीं हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ लिया है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, तो अभी हम इसको करते हैं। 3 की पावर 1000 है, इसको अगर हम 73 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो सिंपली सीधा सीधा देख लीजिए सबसे पहले तो कि आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 की पावर, जैसे 3 की पावर 4 है 81, सबसे क्लोजेस्ट नंबर है जो वो लेकर आना है। सबसे पहले 3 की पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, 1000 बनेगा डिवाइडेड बाय 73। तो ये जो 3 की पावर 4 बन गया हमारा 81। 81 की पावर 250 जो है इसको अगर हम 73 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का एक पहला फंडा समझ लीजिए। यहाँ पे 81 को अगर 73 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना रिमाइंडर बचता है, पहले ये समझ लीजिए। आपके पास 8 रिमाइंडर बचता है, तो आगे आपने लिखना 8 की पावर 250 डिवाइडेड बाय 73। रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले जो शेषफल थ्योरम आई थिंक कुछ वर्ड होता है हिंदी में, जो शेषफल निकालने एक जो थ्योरम है रिमाइंडर की, वो यही कहती है कि जब भी ऐसा कुछ आपके पास आ जाए तो 81 को आप 73 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 8 रिमाइंडर बचता है। तो अगर आप इसका भी रिमाइंडर निकाल लेंगे तब भी आपका जो आंसर है वो सही निकलेगा, राइट। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्या करें, देखिए अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। हमने एक ऊपर नंबर एक नंबर नीचे लेकर आना है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 आएगा, आसपास भी नहीं है। 8 का क्यूब है ये देखिए, ये आपका आएगा 512। 8 का क्यूब 512 है और 73 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 511। लीजिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, सॉल्व हो गया। तो 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 83, ये आपका बन जाता है 249। और एक 8 जो है उसको अलग रख लीजिए, इसको डिवाइड करना है 73 से। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए पहले, 512 की पावर 83 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1, इसको डिवाइड करते हैं 73 से। अभी 73 को 7 से मल्टीप्लाई करें 511, तो इसका तो जी +1 आ गया है, तो माइनस के सिंबल का तो कोई पंगा ही नहीं है यहाँ पे। अगर माइनस का सिंबल होता तो देखते क्या करना है, लेकिन कुछ है नहीं। 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो तो 8 ही आएगा ना। अगर 8 को आप 73 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर हमेशा 8 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो है आपका रिमाइंडर जो है वो 8 आ जाता है और 8 आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि देखिए यहाँ पे आके थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मैंने पिछले लेक्चर में शायद ये पॉइंट आपको नहीं बताया होगा कि 81 यहाँ पे इतने बड़े नंबर्स की जब बात हो रही है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार तो इसको कर ही दीजिए डिवाइड सीधा। 81 को आप 73 से पहले ही डिवाइड कर दीजिए तो 8 बचता है। तो इसके बाद आप देखिए कि आपको क्या करना है, राइट। इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बहुत जो है आसान हो जाएगा। वैसे अभी तक जो मैंने करवाए थे 3, 4, 7, 8, 9 वो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि अब देख लीजिए अभी 73 को 7 से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको 73 का टेबल पता हो। तो ये मैंने खुद ने ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है, 73 को 7 से मल्टीप्लाई किया, मुझे खुद को टेबल नहीं आता 73 का, आपको भी नहीं आता होगा आई होप नहीं, मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स आप तो मुझे थोड़ा सा इतना आपके बारे में पता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन ये वाला जो फंडा है ये वाला समझ लीजिए कि 81 डिवाइडेड बाय 73 था तो मैंने सीधा 81 को पहले 73 से डिवाइड कर लिया तो 8 की पावर 250। ये वाला फंडा शायद आपको नहीं आता होगा पिछले, अगर आपने लेक्चर देखे हैं या कहीं और से कर रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये सिंपल हो गया, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर नहीं था, डाउट क्लियरिंग का एक सेशन। एक ही क्वेश्चन भेजा गया था मुझे इसके बारे में। तो स्मार्ट प्रेप किट जो है ये ज़रूर लें आप bankexamstudy.com से। इसमें हमने सारे नोट्स जो हैं बैंक एग्जाम स्टडी के इसमें हमने कंपाइल करके रखे हुए हैं, इट इज़ रियली कॉस्ट एफिशिएंट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है परचेज का, तो प्लीज़ परचेज करें एंड हमें सपोर्ट करें। तो
सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्राइब का जो बटन है ये दबाना ना भूलें, राइट। एंड इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्वेश्चंस हैं जो मुझे भेजते रहें, कमेंट में अपने क्वेश्चन लिखते रहें। मैं टाइम टू टाइम बेसिस पे, एक्चुअली रेगुलर डेली मैं भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस ले रहा हूँ। एंड आने वाले 3 दिनों में मैं आरआरबी के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ bankexamstoday.com पे। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, bankexamstoday.com पे ही हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज़ का लाइव सेशन होगा, जैसे पूरे का पूरा पेपर है, मैं आपको पूरे का पूरा पेपर लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपके कोई डाउट है उस पेपर से तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है सर, गाइस टेस्ट सीरीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको, आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ली और कंपनी वाले जो होते हैं वो आपको भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाए, मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, आपसे जो सॉल्व नहीं होगा वो आप हमें भेजेंगे या हम एक ग्रुप बनाएंगे, फेसबुक का ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे। एंड अब मैं कोशिश करूंगा कि 100 के 100 क्वेश्चन, अगर 80 क्वेश्चन है जो हमने आरआरबी के आपको एक एक टेस्ट में दिए हैं, वो एक एक क्वेश्चन जो है आपको वो समझ आए। ये नहीं है कि आपने पेपर कर दिया, ख़त्म हो गया, फिर पेपर हो गया तो खत्म, नहीं। एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाऊंगा, चाहे आप कह लीजिए वीडियोज़ के माध्यम से, या ग्रुप्स के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 3 दिन के अंदर अंदर जो है ये सीरीज़ लाने वाले हैं। पहला टेस्ट मैं फ्री में दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।